नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे कक्षा 8 से। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं लॉ और सोशल जस्टिस पे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो होगा दोस्तों कक्षा 8 पर, इसके बाद हम कक्षा 9 को शुरू करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं उन्हें मैं पहले बता दूँ कि इसके पहले हमने कक्षा 6, कक्षा 7 और आज के बाद, मतलब आज की वीडियो के साथ हम कक्षा 8 को भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस, मतलब नेक्स्ट क्लास पे जाएंगे जो है कि कक्षा 9 है। देखिए दोस्तों, आप जानते हो कि गवर्नमेंट का काम होता है लॉस को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, लॉस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सर्टन मशीनरी बनाई हुई है, उसके ज़रिए ये देखा जाता है कि पर्टिकुलर लॉ जो बनाए गए हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। बट लॉ बनाता कौन है? तो देखिए, गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है, हमारी पार्लियामेंट का ये काम है। ठीक है, देखिए दोस्तों, लॉ बहुत ज़रूरी होते हैं और लॉ तब ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं, तब ये इसलिए बनाए जाते हैं कि जो लोग स्ट्रांग हैं, ठीक है, उन लोगों से जो लोग वीक है ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, इसलिए ये लॉ बनाए जाते हैं। बट देखिए, कागज़ पे तो हम लॉ बना लेते हैं, पर जब तक उसे हम अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तब तक वो, मतलब तब तक उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो देखिए, जो कुछ लॉ बनाए गए हैं उसका वायलेशन हमें काफ़ी देखने को मिलता है। ठीक है, तो लॉ को बनाना कोई, मतलब वो तो एक स्टेप हो गई, बट उसे कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है सब कुछ इस पर निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए, हमने कहा लॉस की ज़रूरत होती है, यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि हमने लॉ बनाया मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, लॉ बनाए गए कि हम अच्छे से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट कर सके, लॉ बनाए गए कि हमारा जो मतलब जो वर्क फोर्स है इसमें बच्चों को इंगेज ना किया जा सके, बच्चों को एम्प्लॉय ना किया जा सके हजार्डस प्लेसेस पे। ठीक है, लॉ इस तरीके से हम लॉ बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट लॉ बनाती है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों सोशल जस्टिस की। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया गया है। देखिए, केस स्टडी में ये बताते हैं भोपाल के बारे में। भोपाल में क्या हुआ था आप जानते हो, भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जिसे जाना जाता है, यूनियन कार्बाइड का जो वहाँ पे लीकेज हुआ था उसके कारण काफ़ी लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। ठीक है, तो भोपाल का एग्जांपल दिया गया है, काफ़ी बातें की गई है उस पर। ओके, अब देखिए दोस्तों, वो एक फॉरेन कंपनी थी, जो यूनियन कार्बाइड वाली जो कंपनी थी वो एक फॉरेन कंपनी थी। फॉरेन कंपनीज हमारे कंट्री में क्यों आती है या फॉरेन कंपनी किसी भी कंट्रीज़ में क्यों जाती है, उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं अगर उस पर्टिकुलर रीज़न पे अगर हम बात करें तो। बट यहाँ पर एक रीज़न ये भी दिया गया है कि देखिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो वर्क फोर्स होता है, जो लेबर होते हैं, ये काफ़ी कम वेजेस पे काम करने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्री। और ये लोग जो कॉस्ट कटिंग करते हैं इसके लिए ये जो टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी ये, मतलब ये ऐसी सिस्टम प्रोवाइड नहीं करते लेबर के सेफ्टी के लिए जो कि महंगी है, जैसे कि एडवांस अलार्म, ठीक है, न्यू मशीनरीज, ऐसा कुछ ये लोग नहीं करते। ठीक है, और क्या होता है अगर किसी को प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ये डेंजर है, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, उस आदमी को या उस ग्रुप को वहाँ से रिप्लेस किया जा सकता है, बिकॉज उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। रीज़न ये है कि देखिए, हमारे यहाँ पे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है और काम की बहुत ज़रूरत है लोगों को। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में लोग अनसेफ कंडीशन में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, भोपाल गैस की जो घटना घटी थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, इसके बाद भी क्या घटनाएं रुक गई? नहीं, आए दिन न्यूज़ आती रहती है कि ये फैक्ट्री में ऐसा एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर आग लग गई, इतने मज़दूरों की मौत हो गई, इतने मज़दूर दब गए, मतलब ऐसी न्यूज़ चलती रहती है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी से हमने क्या सीखा, भोपाल गैस ट्रेजेडी होने के बाद हमने किस तरीके से नए लॉज हम लेके आए हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, हमारे वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज की। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने पहले ही बात की कि लॉ मेकर और लॉ इन्फोर्सर दोनों ही हमारी गवर्नमेंट होती है। लॉ को बनाना और लॉ को इम्प्लीमेंट करना हमारी गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें
आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ दिया गया है, जहाँ पे हमें गारंटीड राइट टू लाइफ गारंटीड है, ठीक है, आर्टिकल 21 में। अगर देखिए आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है तो ये ठीक नहीं है, ओके। तो अगर कोई एम्प्लॉई ऐसे कंडीशन में काम कर रहा है जो कि अनसेफ है, जो उसके लिए घातक है, जो उसके लिए डेंजर है, वहाँ उसकी जान को नुकसान हो सकता है, इसका मतलब आर्टिकल 21 का वायलेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए तो लॉ की ज़रूरत चाहिए ऐसे कंडीशन से उसे बचाने के लिए। अब क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आ रही है, फिर वो लोकल हो या फॉरेनर हो, और ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का मोटिव क्या होता है, इनका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट कैसे कैसे बना सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, इन बातों पे वो ध्यान रखते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो वर्कर का जो प्रोटेक्शन होता है उसके लिए जो आधुनिक चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, जो काफ़ी महंगी भी आती है, उन्हें निग्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये सही नहीं है। अब चैप्टर बात करता है कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, 1984 के पहले हमारे कंट्री में ऐसे कोई कड़े लॉज अवेलेबल नहीं थे। अब ये 1984 यहाँ पे क्यों दिया गया है, ये वही वर्ष है आई थिंक जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ओके, ठीक है। तो उससे पहले वहाँ हमारे कंट्री में ऐसे कोई लॉज नहीं थे, बट इसके बाद सिचुएशन में चेंज आया है, ठीक है। उस समय क्या होता था दोस्तों, इन्वायरमेंट को एक फ्री एंटिटी के तौर पर ये लोग ट्रीट करते थे, और कोई भी इसे पोल्यूट करता था, मतलब इंडस्ट्रीज़ जो होती थी ये हमारे एयर को, वाटर को, हमारे लैंड को धड़ल्ले से पोल्यूट करते थे, और इन्हें रोकने टोकने वाला भी उस समय कोई नहीं था। जो कुछ लॉ थे वो भी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे थे। ये 1984 के पहले की बात है, ठीक है। बाद में क्या होता है, देखिए समय समय पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे जुडिशरी ने भी ऐसे जजमेंट दिए हैं जो जजमेंट इन बातों की ओर इशारा करते हैं कि हेल्दी इन्वायरमेंट एक इंडिविजुअल का राइट है, एक फंडामेंटल राइट है। बिकॉज देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, ठीक है, वो हमें गारंटी दे रहा है राइट टू लाइफ की। बट अगर देखिए ये ऐसे कंडीशंस में काम किया जा रहा है, या कोई इंडिविजुअल ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ उसकी जान को खतरा है, ठीक है, तो राइट टू लाइफ कहाँ गया फिर, ओके। तो समय समय पे जुडिशरी ने भी डिसीजन दिए हैं, जजमेंट दिए हैं। एक केस का यहाँ पे उल्लेख भी किया गया है, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए जो राइट टू लाइफ है एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। और देखिए दोस्तों, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, इसके तहत हर भारतीय नागरिक को पोल्यूशन फ्री एयर वाटर मिलना चाहिए, ठीक है, कि वो अपने जीवन को अच्छे से जी सके। देखिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है लॉ बनाने को, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, और उसे इम्प्लीमेंट करने को भी। तो गवर्नमेंट का काम है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि पोल्यूशन को चेक करते रहे, एयर क्लीन है इसे चेक करते रहे, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ अगर जो लोग लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, जो हमारे नदियों में ऐसा पानी डिस्चार्ज कर रहा है, जो उसे डाइल्यूट कर रहा है, और जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, तो उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए, ठीक है, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। कंक्लूजन में वही सारी बातें कहते हैं कि लॉस किस लिए नेसेसरी है, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज़, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पर्सनस, इनका ज़्यादा फोकस होता है प्रॉफिट पे, इसके लिए अनसेफ प्रैक्टिसेस का ये लोग यूज़ करते हैं, ये इग्नोर करते हैं वर्किंग जो प्लेस होता है वहाँ की जो कंडीशन होती है उसे, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को डैमेज होता है, और जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें भी लॉस होता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट का इसमें मेजर रोल आता है कि वो इसे कंट्रोल करे, प्राइवेट कंपनीज़ को रेगुलेट करे, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज़ पे ध्यान रखें कि वो किसी भी तरीके का सोशल इनजस्टिस ना कर सके अपने वर्कफोर्स के साथ, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद देखिए दोस्तों, काफ़ी घटनाएं ऐसी हुई है मतलब हमें फिर सोचने को मजबूर करती है कि भोपाल गैस से हमने ट्रेजेडी से हमने क्या सीखा। देखिए गवर्नमेंट का अपना एक अलग काम है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट लॉ बनाती है और उसे इम्प्लीमेंट भी करती है, बट देखिए जो नागरिक है, नागरिक गवर्नमेंट पे प्रेशर बना सकते हैं। नागरिक का काम सिर्फ इलेक्शन में एक वोट डाल देना इतना नहीं होता, ठीक है, वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बना सकते हैं। पर्टिकुलर लॉ अगर नहीं है तो उसके लिए भी, अगर है और उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए भी। तो एक एक्टिव सिटीज़न की भी ज़रूरत होती है दोस्तों, ठीक है। तो इस चैप्टर में काफ़ी बातें की गई है, हेल्दी इन्वायरमेंट के बारे में बात की गई है, जो सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा राइट टू वर्क, राइट टू फ्री वेज एंड डिसेंट वर्क कंडीशंस, ठीक है, तो इस तरीके से बात की गई है। सोशल जस्टिस और
लॉस की इसमें बात की गई है। तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, आप चाहे तो उसे पढ़ भी सकते हो। ओके, कभी कभी पढ़ भी लिया कीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों इस चैप्टर में हमने बात की लॉ एंड सोशल जस्टिस की, ठीक है। तो इस चैप्टर के साथ हम क्लास 8 को यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं और जल्दी हम क्लास 9 को स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर इस सीरीज़ में आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं वो चेंजेस आपके लिए लेकर आऊँगा। बट आप कमेंट काफ़ी कम करते हो, मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक अलग से वीडियो बना के उस वीडियो में आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब किया कीजिए ना चैनल को, और आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, वो जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकन पे ये नहीं करते हो, ठीक है, बेल आइकन को एक्टिव नहीं करते हो, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी वीडियोस की। और हमारे प्रीवियस लेसन्स नहीं देखे तो एनसीईआरटी पॉलिटी नाम से एक प्लेलिस्ट है, जाकर उसमें आप देख सकते हो। आपकी कुछ सजेशन या एडवाइस होंगे तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेसन में, मिलते हैं क्लास 9 में। आप टिल देन टेक केयर, गुड बाय। सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को टैप करें और पाएं हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री।